हमारा देश भारत वर्ष स्वतंत्र हो चुके हैं और इस स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कुछ लोगों को हम याद करते हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते भी नहीं। हेलो नमस्कार, दिस इज फिनमोनी लाहन एंड वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है फिनमोनी लाहन एक्सक्लूसिव। और आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों से बात करने जा रही हूँ हमारे असम तथा हिंदुस्तान की वीरंगना कनकलता बरुआ के बारे में, जो सिर्फ 17 साल में ही शहीद हो गई थी। तो चलिए बात करते हैं वीरंगना कनकलता बरुआ जी के बारे में। शहीद कनकलता बरुआ आल्सो कॉल्ड बीरवाला। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बरंगाबारी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णकांत बरुआ और माता कर्णेश्वरी बरुआ थी। उनके ग्रैंडफादर एक बहुत ही फेमस हंटर थे, जिनकी हंटिंग स्किल की वजह से लोग उनको घना शिकारी के नाम से भी जानते थे। कनकलता बरुआ ने बहुत कम उम्र में अपने माँ को खोए। यस, शी लॉस्ट हर मदर एट द एज ऑफ 5 इयर्स। हर फादर रीमैरिड, बट कनकलता बरुआ की 13 इयर्स होते ही उन्होंने फिर से अपने पिता को भी खोए। जीवन में इतने संघर्ष के बावजूद भी कनकलता का झुकाव हमेशा स्वाधीनता आंदोलन की तरफ ही था। यह 1931 में गमेरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई। उस समय कनकलता सिर्फ 7 इयर्स की थी। फिर भी अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस के साथ उन्होंने भी भाग लिया। सभा के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद अग्रवाला थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाला प्रसिद्ध कवि और गीतिकार थे। अग्रवाला जी के गीतों से कनकलता भी प्रभावित हुई। उनके मन में राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हुआ। 1942 के 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। वो ब्रिटिश के विरोध देश के कोने कोने में फैल गया और आंदोलन बढ़ता गया। उस समय कनकलता विवाह के योग्य हो चुकी थी, पर वो भारतवर्ष की आजादी को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। शादी के बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। भारतवर्ष की आजादी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। 20 सितंबर 1942 के दिन गहपुर थाने में तिरंगा फहराने के लिए एक जुलूस निकाला। उस जुलूस का नेतृत्व कनकलता ही कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उनके साथी कहीं पुलिस के डर से ना भाग जाए। संदेह को भाव कर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी। बोली, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नस्वान है तो मात्र शरीर। अंत हम किसी से क्यों डरे, करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे बोलकर कनकलता उनके साथियों के साथ थाने की ओर चल पड़ी। हर एक व्यक्ति सबसे पहले झंडा फहराने को बेसैन था। झंडा फहराने के लिए वो लोग जब आगे बढ़े तो पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली। गोली बोगी कसारी नामक एक सिपाही ने चलाई थी। गोली लगने पर कनकलता गिर पड़ी, पर उनके हाथों का तिरंगा उन्होंने झुकने नहीं दिया। उनके सब स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने कंधे पर उठाकर उनके घर तक ले गए और फिर उनका अंतिम संस्कार बरंगाबारी में किया गया। कनकलता बरुआ जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक मजबूती लाई। गाइस, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाए कि बहुत सारे लोगों को कनकलता बरुआ जी के बारे में पता नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कनकलता जी के जो जीवन दर्शन है, जो महान त्याग है, वो उन लोगों तक भी पहुंचे और वो लोग भी जान पाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन
और जितना हो सके उतने लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए कि हर कोई कनकलता बरुआ जी के महान त्याग के बारे में जान पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय अहम, जय हिंद।